सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय चैनल धीरे ठाकुर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत भयानक हो रहा भाई। अभी मैं पहुंचा हूं बाईपास, ऑफिस जा रहा हूं और सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मैं बाईपास पे जैसे पहुंचा हूं यहां पे भाई देखने को मिल रहा है कि बहुत तगड़ी आग लगी हुई है। और आप लोग देख रहे होंगे पीछे से धुएं आ रहे हैं, बहुत तगड़ा आग लगा हुआ है। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ पूरा क्लियर। यार मैं ऑफिस से दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत खतरनाक सीन हुआ भाई यहाँ पे। मैं मतलब मेरे सामने तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये आग लगी हुई, आसपास के काफी ट्रैफिक भी लग चुका है। सो गाइस, अभी मैं बाईपास पे हूँ और ये देखो बहुत भीषण आग लगी हुई है बाईपास पे। और उसके अंदर वहां पे वो भी आए हुए हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी आए हुए, पानी छोड़ रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, भगवान कोई मरा ना, उसके चपेट में कोई ना आया हो। जल्दी भगाता हूँ, जल्दी। भाई मैंने तो ऐसा आग लगा हुआ या तो फिल्मों में देखा है, या तो किसी यूट्यूब चैनल पे, या तो किसी के ब्लॉग, मतलब कि ये व्हाट्सएप की कभी कोई अगर व्हाट्सएप में अगर आ जाता है तो देख लेते। फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से देख रहा हूँ भाई, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरे आंखों के सामने ऐसा जल रहा है। बस भगवान करे सभी लोग बच गए हो, बाकी तो भाई सब आंखों से देखा नहीं जा रहा यार। ये इतनी तेज आग, 1-2-3 बंदे ऊपर से भी काम कर रहे हैं। पूरा घर ये पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है। ये देखो लोग रुक रुक के देख रहे हैं यार, पीछे देखो, वो बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत बुरा। भाई आग तो किसी के भी काबू में नहीं आ पा रही है, वो देखिए कैमरे में तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे आंखों के सामने जो हो रहा है ना भाई, ये समझ लो कि ज्वालामुखी से कम नहीं है ये। भाई साहब बहुत बुरा हुआ। और आस पास के पड़ोसी भी भाई बहुत मदद कर रहे हैं इनकी, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल। पूरा बादल काले काले हो चुके हैं, ये देखिए। और बगल में शिव शंकर जी की मंदिर भी है, शंकर जी का मंदिर भी है बगल में ही। ढेर लोग कैसे भाग रहे हैं, भाई साहब बहुत तो पीछे भी आग लग गई। अब तो बहुत नुकसान हो गया हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हुआ। बस भगवान करे सभी लोग जितने बंदे भी होंगे घर में वो बच चुके हो यार। सो गाइस, अभी आप लोग देख रहे होंगे पीछे बहुत तगड़ी आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स की इतनी सारी टीम आई हुई है, लेकिन आग काबू में नहीं आ पा रहा है। और इससे पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा कि जो करनाल बाईपास पे जो कूड़े का पहाड़ है उसमें भी आग लगा हुआ था, सेम उसके बगल में आग लगा हुआ है। बट ये किसी के घर में लगा हुआ भाई, ये कूड़े का पहाड़ में नहीं लगा हुआ है। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल। बस भगवान करे जितने भी लोग हो इस घर में वो सब बच चुके हो यार, बच गए हो। देख रहे हो आग बुझने का तो नाम ही नहीं ले रहा, पानी का प्रेशर दबा के लग रहा है, लेकिन ये देखो भाई साहब। सो गाइस, टाइम हो चुका है 9:25 और ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, बहुत पसीना आ गया यार। सो गाइस, 9:25 हो चुका है और मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। सो चलते हैं ऑफिस के लिए और भगवान से यही दुआ करेंगे कि सभी लोग यहाँ पे बच चुके हो यार। बाकी जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसके लिए यार मैं बस ये डर के, ये मैं देख के डर रहा हूँ कि वहाँ पे आग बुझ नहीं रही है और कंटिन्यू पानी का प्रेशर दिया जा रहा है फायर ब्रिगेड वाले की टीम से, कितना प्रेशर होता है उसके अंदर, लेकिन बुझने का नाम नहीं ले रही वो आग, बुझने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर, ये देखिए
आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। ओह हे भगवान, सभी लोग बच चुके हो। ये खतरनाक सीन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। सो प्लीज प्रे कीजिए यार कि जो भी आसपास में हो सब सुरक्षित रहे, और आप लोग भी अपना ध्यान रखें भाई। कुछ दिन पहले जो न्यूज आ रहा था ना, न्यूज के अंदर कि कूड़े का पहाड़ में आग लग गया, वो बाईपास वाला कूड़े का पहाड़ है, पूरा का पूरा आग लग चुका था इसके अंदर, पूरा का पूरा। और जस्ट इसके बगल में ये आग लगी हुई है, वो देख रहे होंगे आप लोग धुआं। वहां से मतलब कि 2 किलोमीटर में आगे आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी धुआं यहाँ पे आ रहा है, बहुत तगड़ी आग लगी हुई है।